जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। भावना अगर शुद्ध नहीं होगी तो कहां से भगवान जी आगे आपके पास खड़े हो जाएंगे कि आजा बेटा दे दूं तेरे को प्यार मोहब्बत और भर दूं तेरी झोलियां। भावना शुद्ध करो, जरा सी बात होती है एक दूसरे के कान में फुस 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 फुस, वो वैसा है वो कैसा है, अरे तू कैसा है ये सोचा कर, कौन कैसा उससे क्या लेना है। कहीं को तो यही होता है वो कैसे कपड़े पहन के आए, खास करके बहनों को, अच्छा इसने तो बड़ा टॉर निकाल रखा है, तेरे से उसने सुर्खी बिंदी मांग के लिए क्या, क्यों बहनों आपसे मांग के लेते हैं, तो उनकी मर्जी, अगले लगा के आए नहीं लगा के आए, आपका पेट क्यों दुख रहा है बिना वजह, मैं कौन खामखा, वो वाली बात। कईयों को यही होता है वो देखते रहेंगे, अच्छा आ गया फिर हमें देख लेंगे, पिताजी तो नहीं देख रहे, हाँ हम काहे को देख रहे हैं, आंखें बंद करे बैठे हैं हम तो, जब वो हमें देखते हैं हम उधर देखने लगते हैं कि बेटा तू चला तो आ जा, फिर उसको लगता है अच्छा पिताजी ने तो नहीं देखा अपने को, खुश खुश खुश, अरे आंखें खुली हैं, जितना आपको दिखता है हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादा ही दिखता हूँ मानव इंसानी तौर पर भी, पता नहीं क्यों बस आदतें बनी हुई हैं, उसको देखा अच्छा ये कैसे लग रहा है खड़ा, आदमी है आदमी की तरह लगेगा, जिन्न तो लगेगा नहीं, ना ही अप्सरा या अप्सरी लगेगी, ये तो सीधा है, लेकिन ना जी आदतें जाती नहीं, अरे राम की तरफ ध्यान दो भगवान की तरफ ध्यान दो, सत्संग में आके बैठे हो सिर्फ मालिक से नाता जोड़ के रखो, किसी से आपने क्या लेना है, कोई भक्त ऊंचा है तो भी सत्कार, नॉर्मल है तो भी सत्कार, बस आप अपना स्मरण करते रहो भक्ति करते रहो, मालिक अपने आप खुशियों से लवरेज कर देगा। तो सच्ची बातें हमें बतानी होती है ताकि आप सुधर जाएं और मालिक की खुशियों को लूट सकें। आगे आपको स्प्रिट की तरह चुभती है तो क्या करें, और अगर मक्खन मलमल की तरह लगती है तो फिर कहना ही क्या है। सो मान लोगे अमल कर लोगे बदल जाओगे तो खुशियों से लवरेज हो जाओगे, नहीं मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाते रहोगे, उसमें हमारी कोई बद्दुआ नहीं है, वो तो आदमी जैसे कर्म करता है वैसा फल हर इंसान को भोगना पड़ता है।